हेलो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि एस डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है और इसे कैसे देखा जाता है इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे अपना फ़र्स्ट एस वेब पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर को ओपन कीजिए तो सिंपल टेक्स्ट एडिटर जो है नोट है जो कि विंडो के साथ आता है इसको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है तो ये हम इसको यूज़ करेंगे नोट पैड को नोट पैड शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छा टूल है नोट पैड को ओपन करने के बाद एस टी एम एल प्रोग्राम लिखिए एस टी एम एल प्रोग्राम को कीबोर्ड की मदद से लिख सकते हैं एस टी एम एल प्रोग्राम को अब अपने कंप्यूटर में सेव कीजिए एस टी एम एल फाइल को सेव करना उतना ही आसान है जितना कि अन्य फाइल को सेव करना एस टी एम एल फाइल को सेव करने के लिए फाइल पर जाएं इसके बाद सेव पर जाएं या फिर कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस दबाएं अब आपके सामने एक सेव एज बॉक्स खुलेगा यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम लिखें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वेब पेज तो ये फ़ाइल नेम है इसके बाद डॉट एस टी एम एल ये हमें लगाना पड़ता है तभी ये फ़ाइल सेव होती है नहीं तो ये फ़ाइल एस टी एम एल में सेव नहीं होती है ये लगाएंगे और इसके बाद सेव बटन पर क्लिक कीजिए एस टी एम एल फाइल नेम डॉट एस टी एम एल या डॉट एच टी एम जरूर लिखें यहाँ पे ये देखो फाइल नेम लिखा हुआ है यहाँ पे डॉट एस टी एम एल या फिर यहाँ पे हम डॉट एस टी एम लिख सकते हैं डॉट एस टी एम एल एस टी एम एल डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन होता है अब आपका फर्स्ट एस टी एम एल डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार हो चुका है अब एस टी एम एल कोड से बने वेब पेज को देखना है इसके लिए हमें अपनी सेव्ड फाइल को ओपन करना है आपकी फाइल आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी तो अब हम इसको नोट पैड में जाके प्रैक्टिकली देखते हैं यह हमने नोट पैड ओपन किया हुआ है और यहाँ पे ये एस टी एम एल का प्रोग्राम लिखा हुआ है तो सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है एस टी एम एल टैग उसके बाद हेड टैग इसके बाद टाइटल लिखा हुआ है टाइटल में हमने माई फर्स्ट पेज ये लिखा हुआ है ये टाइटल में आएगा इसके बाद टाइटल को बंद किया हुआ है ये देखो ये बंद किया इसके बाद ये नीचे हेड को बंद किया है ये हेड ऊपर ओपन है तो नीचे ये हेड बंद किया क्योंकि टाइटल जो है हेड के बीच में लिखा जाता है तो हेड को बंद किया इसके बाद यहाँ पे हम बॉडी टैग लिखेंगे बॉडी लिखने के बाद यहाँ पे जो भी लिखने का काम है यहाँ पे हम करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा हेलो हाउ आर यू दिस इज़ माय फर्स्ट बेपीज ये हमने यहाँ पे बॉडी के बीच में लिखा इसके बाद बॉडी को यहाँ पे बंद किया हुआ है और सबसे लास्ट में जो है एस को बंद किया जाता है तो यहाँ पे हमने एस को बंद किया अब ये जो एस प्रोग्राम है इसको हम सेव करेंगे तो फाइल पे जाएंगे फाइल पे जाने के बाद सेव एज़ पे जाएंगे सेव एज़ पे जाने के बाद ये सेव एज़ डाइलॉग्स ओपन हो जाएगा अब फाइल को कहाँ पर सेव करना है इसको हम यहाँ पर चूज करेंगे तो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे इसको रखेंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है फाइल नेम तो यहाँ पे हम फाइल नेम लिखेंगे तो हमने फाइल नेम लिखा फर्स्ट पेज इसके बाद एस टी एम एल के एक्सटेंशन लगाएंगे तो एक्सटेंशन है डॉट एस टी एम एल तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट एस टी एम एल ये हमने एक्सटेंशन लगाई लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे सेव पे क्लिक करने के बाद ये जो फाइल है फर्स्ट वेब पेज के नाम से सेव हो गई है अब हम इसको देखेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये डिफॉल्ट ब्राउजर में ये फर्स्ट वेब पेज नाम की फाइल यहाँ पे आ गई है अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो इसको ओपन किया तो ये देखो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर हमने बॉडी के बीच में ये लिखा था हेलो हाउ आर यू तो यहाँ पर ये देखो ये सारा लिख के आ गया हेलो हाउ आर यू दिस इज़ my फर्स्ट webpage. तो ये हमने बॉडी के बीच में लिखा था अब हमने टाइटल में लिखा था my फर्स्ट webpage. तो ये देखो ये जो टाइटल है यहाँ पे लिखा हुआ है my फर्स्ट webpage. जो हम टाइटल में लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा और जो बॉडी के बीच में लिखेंगे वो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि HTML डॉक्यूमेंट को कैसे बनाया जाता है और उसे कैसे देखा जाता है इसके बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल